ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये एक राजनीतिक पार्टी है और इसके कर्ता धर्ता हैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ये वही ओवैसी हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं, और इसलिए वो अपने हर बयान में, हर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को घेरते दिखाई देते हैं। सिर्फ मोदी को घेरना ही नहीं, ये साहब भारतीय सेना पर भी सवाल उठा चुके हैं, और अब इनके पास एक बेहतरीन मुद्दा है और वो है समान नागरिक संहिता। लेकिन अपने वोटरों को खुश करने के लिए और उनके दिमाग में मोदी नाम का जहर भरने के लिए के चक्कर में ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को हिंदू सिविल कोड का नाम दे दिया। और क्या क्या कहा है ओवैसी ने, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ओवैसी ने बीते 2 जून को प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जैसा कि वो अक्सर साधते रहते हैं, और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी के नाम पर हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। यहाँ ओवैसी ने विरोध तो दर्ज करवा दिया, लेकिन हिंदू सिविल कोड का नाम भी दे दिया। इन शब्दों को अगर भड़काऊ ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। ओवैसी का कहना है, पीएम मोदी बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें जो भी लिख कर देते हैं वो उसे पढ़ देते हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी डिग्री है जो इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स की है। ओवैसी जितना जहर उगल सकते थे उन्होंने उगला, जितना वो जनता को भड़का सकते थे उन्होंने भड़काया, यूसीसी के बारे में जितनी भी गलत बयानबाजी वो कर सकते थे उन्होंने की, उन्होंने सभा में तो अपना सारा जहर उगल दिया। ओवैसी ने आगे कहा, बीजेपी नेता कहते हैं कि मैं जिन्ना की तरह हूँ, मैं कहता हूँ अरे तुम मेरी सोच का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मुसलमान दिखते ही उन्हें जिन्ना नजर आता है, मैं पूछता हूँ क्या तुम गोडसे वाले हो, जैसे मोदी हिंदू और भारतीय हैं वैसे ही मैं भी मुसलमान हूँ और भारत का नागरिक हूँ। जैसे वो मंदिर जाते हैं हम मस्जिद जाते हैं, वो अपने मजहब को मानते हैं हम अपने मजहब को मानते हैं, फिर मेरे और मुसलमानों के देश प्रेम पर शक क्यों किया जाता है, भारत एक है एक रहेगा। लेकिन यहाँ हजारों मजहब मानने वाले लोग हैं, यूसीसी के नाम पर पीएम मोदी हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेसी नेताओं ने इस इश्यू पर चुप्पी साध रखी है। हिंदू मुसलमानों की शादी पर भी ओवैसी ने अपनी बात रखी, वो भी सुनिए। शादियों के मामले में मुसलमान आगे, ओवैसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वो हकीकत से कोसों दूर हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा शादी करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हम शादी के मामले में हिंदुओं से सिर्फ 0.6% आगे हैं। यह आंकड़ा ओवैसी कहां से लाए, ये ओवैसी ने नहीं बताया। किस आधार पर ओवैसी ने यह आंकड़ा तैयार कर लिया वो भी नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि मोदी देश को 2 मिनट नूडल्स की तरह चलाना चाहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि देश ऐसे नहीं चल सकता। अब ओवैसी साहब को कौन समझाए कि यूसीसी के आने से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है, बल्कि मुस्लिम बेटियों की जिंदगी संवर जाएगी, उनके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा जो उन्हें हर वक्त सताता है। क्यों ऐसी नहीं चाहते कि मुस्लिम बेटियों को भी उनके अधिकार मिले, और अगर नहीं चाहते तो वो भी अपनी कौम को बता दें कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम बेटियों को उनके अधिकार दिए जाएं। आखिर क्यों नहीं चाहते, आखिर एक समान कानून से दिक्कत क्या है। और एक बात, जो ये लोग शरिया का ढोल पीटते हैं वो सिविल मामलों में ही क्यों इस ढोल को पीटते हैं, क्रिमिनल मामलों में क्यों इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, क्रिमिनल मामलों में क्यों नहीं कहते कि हमें यहाँ भी शरिया के हिसाब से सजा दी जाए, क्यों नहीं कहते कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाने चाहिए, लड़कियों को छेड़ने वालों पर कोड़े बरसाने की मांग ये लोग क्यों नहीं करते। इस दोहरी मानसिकता की आखिर जरूरत क्या है, क्या सिर्फ वोटों के लिए कुछ भी कह दिया जाएगा। अब ओवैसी का आखिरी दर्द भी सुन लीजिए। ओवैसी का कहना है कि उन्हें पटना में हुए जुटान का हिस्सा नहीं बनाया गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया। पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जिन प्रफुल्ल पटेल के साथ वहां पहुंचे थे, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के लोगों ने हमारे एमएलए खरीदे थे तब तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आई, तो बीजेपी ने विपक्ष के एमएलए तोड़ लिए तो अब सब एक साथ विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, जब ओवैसी के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई तो फिर ओवैसी क्यों विपक्ष की आवाज को उठाएं? हालांकि वो बात अलग है कि उन्हें आवाज उठाने के लिए वहां बुलाया ही नहीं गया। आगे ओवैसी ने ओबामा को भी याद किया, क्योंकि उन्होंने मोदी की खिलाफत की थी। उनका कहना है कि कांग्रेस ओबामा की बात पर तो
खूब हाउल्ला मचाए थी, लेकिन यूसीसी पर मुंह में दही जमाए बैठी है, क्योंकि उन्हें अपने पापा को खुश करना है। अब कांग्रेस पार्टी का ये नया पापा कौन आ गया वो तो ओवैसी ही बता सकते हैं, लेकिन ओवैसी को एक काम और भी करना चाहिए, अपनी कौम को एक बार यूसीसी के फायदे भी बता देने चाहिए। और ये भी बता देना चाहिए, जब यूसीसी पर इतना बवाल कर रहे हैं तो वो हिंदू सिविल कोड पर क्या कुछ करेंगे? अपनी कौम की बेटियों को अपने फायदे के लिए इनके अधिकारों से वंचित करने का काम मत कीजिए। जाते जाते सुनिए यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना था, और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना वो सिर्फ बेटियों को होता है, ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको मन क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं, और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं।